यार हम तो अभी पाकिस्तान से क्रॉस होके हिंदुस्तान की ओर जा रहे हैं, यानी कि अभी हमने पाकिस्तान को क्रॉस कर लिया है। Shall we begin? हेलो गाइस, आज मैं काफी टाइम बाद आप लोगों के लिए एक रैंडम व्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सीट बेल्ट पहन देते हैं, उसके बाद ओके, तो अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आज का जो हमारा व्लॉग होगा बिल्कुल रैंडम होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं जम्मू की तरफ जा रहा हूँ और अभी मैं हूँ अपनी जो हमारे कास्तीगढ़ टू चील वाली रोड है, यानी कि जो असर को कनेक्ट करती है वहाँ पे, और अपने एक हैंडसम से भाई अपना वेट कर रहे हैं आगे गादला आड़ी में, उनको पिक करते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। तो अपने भाई साहब कहाँ पे वेट कर रहे हैं, थोड़ा हम दबा के रखते हैं, उनको हॉर्न की आवाज सुनाई दे। गाइस, जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ ये एक वन ऑफ द डेंजरस रोड है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो अपने भाई यहाँ पे कर रहे हैं वेट, टोपी वोपी पहन के। अरे सर, जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। ये अपने हैंडसम से हंक, अपने अरुण भाई, जो हमारा इस वीडियो में पूरा साथ देंगे जम्मू तक, अपने कास्तीगढ़ टू जम्मू। थोड़ा लेट हो चुके हैं, हमारा प्लान था 1 बजे निकलने का, लेकिन अभी बज रहे हैं 4:30। चलिए, जैसे जैसे आगे पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों से बात करते जाएंगे। खैर, हम तो अभी पाकिस्तान से क्रॉस होके हिंदुस्तान की ओर जा रहे हैं। वो कैसे? हमारे अरबाज खान जी आए थे, तो हमारे सराज को उन्होंने ऐसे पाकिस्तान दिखाया तो इनको हिंदुस्तान की तरफ से दिखाया था। अच्छा, तो भाई वो वाला जो एरिया आपको दिख रहा ना सामने, इसको बनाया गया था पाकिस्तान, और ये वाला हमारे राइट साइड में हिंदुस्तान। तो यानी कि अभी हमने पाकिस्तान को क्रॉस कर लिया है, पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर लिया। अभी हम हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हैं। टाइम हो रहा है अभी 5:17:18। तो हम निकले कितने बजे थे? 4:30 बजे। नहीं, हम टाइम ऊपर से देखेंगे, कहाँ से? रोड से देखेंगे। हमने बगर में जाके खाना भी खाना। हाँ, बगर में खाना नहीं खाना, नहीं, नहीं, खाना मैं आपको एक चीज और खिलाऊंगा वहाँ की। बगर में नहीं, हाँ। मैं आपको ले चलूंगा सीधा बटूत में। भाई गाना सुन के याद तो नहीं आ रही किसी की? बताओ, राजमा चावल खाने की? नहीं, अगर आप खाओगे तो सब। मैं नहीं खाता ना। तो गाइस, ये वाला इलाका कहलाता है बगर का। भाई पैक करके देते हो राजमा चावल? पैक करके देते हो? पैक करके करो फिर। एक करो। तो गाइज, अरुण भाई गए हैं राजमा चावल खाने। तो अरुण भाई काफी टाइम लगा चुके हैं। मैं तो बोल रहा था भाई साहब को कि आप पैक करके ले आना, बट मुझे लग रहा कि वो कहीं खाने स्टार्ट ना हो गया। नहीं, तो अरुण भाई अपनी फेवरेट डिश लिया है, राजमा चावल। घी भी लाए हो? घी भी लाया। डाल के? डाल के लाया। चलो ठीक है, अब हमें प्लेट लेंगे हम उनसे। आप राजमा चावल का सेवन करना और हम करेंगे मोमोज या फिर स्प्रिंग रोल का। ये हो, जगह का नाम क्या है इसका? बुड्डी मड़ी। हम कहाँ जैसे लगाए? आगे लगाए, आगे लगाते हैं। तो भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं बटोत से। पहले एक फास्ट फूड आता है वहां पे, एक बार जरूर आपसे कहूंगा कि कभी भी आप जम्मू की तरफ जा रहे हो या फिर डोडा बदरा के सॉल्ट की तरफ आ रहे हो तो एक बार जरूर आइएगा यहाँ पे, और यहाँ के मोमोज, उसके बाद स्प्रिंग रोल, और भी बहुत सारी आइटम आपको मिलेंगी, वो खाने को मिलेंगी। तो ये देख लो हमारी पैकिंग, राजमा चावल की पैकिंग जो आई है बग्गर से। ये खाएंगे राजमा चावल और हम खाएंगे स्प्रिंग रोल। राजपूत कैफेटेरिया। चटनी वटनी
ये वाला ड्राइवर है। से मुड़ गए तो नीचे सारा जंगल है ना। हाँ बिल्कुल वो कटनार का। लेते हुए चाय का नजारा, ये कटिंग चाय है काले पत्थर पे कूद के अदरक। हाँ क्या मजा है। और बीच में डाली इलायची और क्या डालते हो। चलो चाय को रहने दो, मैं जिस चीज के लिए आपको यहाँ पे लेके आया था उसका बताओ। अल्टीमेट मजा ही आ गया। ये हमारे सर जी लगे हैं अंगीठी को गर्म करने, तो खुद भी लगता है मुझे गर्म हो चुके हैं। अगर गर्म हो चुके हैं तो फिर चलते हैं। हो गए वो गर्म। जी सर मैं करता हूँ, चलो मैं करता हूँ। बिल्कुल टाइम क्या हो गया। टाइम हो गया अभी 18:33 यानी कि 6:30 हो चुके हैं। और अभी हमने पहुंचना है 7:30-8:30 से पहले। अभी अपन लोग पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं अब हम। तो आपके कहने का मतलब कि अभी हम 6:30 बज रहे हैं अभी जी। और हमको कितने बजे पहुंचना है। 8:30 कितने घंटे हो गए। 6:30-8:30 2 घंटे वो तो इजीली पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंचेंगे। तो चलिए करते हैं श्री गणेश। जय श्री राम हर हर महादेव। हम कहाँ से घुसे। टाइम सब देखने गया 18:49 अगर टनल खाली हुआ तो कितने टाइम के अंदर बाहर निकल सकते हैं। 11 किलोमीटर के 9 किलोमीटर लास्ट टाइम यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, 10 गाड़ी ठुक गई थी पीछे एक। अभी तक हो चुके कितने मिनट, 6 मिनट हो गए हमें। 49 मिनट आगे। हाँ कुछ समथिंग चल रहा था, अगर ये ना होता ना बुटनी का 5-6 पे लगता है कोई आगे ना है। खाली ही आगे लेकिन ये बिल्कुल आज तक क्यों चल रहा है। नहीं उससे आगे एक और गाड़ी चल रही है। अरुण भाई का कहना था कि हम 5 मिनट के अंदर इसके टनल का क्रॉस कर लेंगे, लेकिन हमें लग चुके हैं 6 मिनट। तो 6 मिनट भी नहीं लगते हमें, मुझे लगता है 4-5 मिनट के अंदर हम बाहर हो जाते हैं, लेकिन अगर ये गाड़ी वगैरह ना होती आगे हमारी। तो भाई साहब अब हम निकल चुके हैं टनल से बाहर और कुछ लोग यहाँ पे झूमते हुए 19 बज चुके हैं यानी कि 7 बज चुके हैं अभी, और हमने नाशी टनल को क्रॉस किया है। अब हमको टाइम नोट करना होगा। अब 19:30 पे तकरीबन पहुंच ही जाएंगे हम, चाहे जितना लेट हो जाए। हम पहुंच चुके हैं उधमपुर में। अंदर से निकलना है बार बार निकलना है बार बार। हम पहुंचे कितने मिनट। 22 मिनट में। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी बीच में हमारी, जिसकी वजह से हमको लगे हैं 22 मिनट, जबकि हम ये सोच रहे थे कि 25 और 30 मिनट लगेंगे, और हम पहुंचे हैं 22 मिनट में। अगर वो जो हमारे 2-4 मिनट ऐसे ऊपर नीचे गए थे तो अगर उनको भी निकाल दे तो 15 और 16 मिनट के अंदर हम पहुंच चुके हैं टनल, नाशी टनल से उधमपुर जखेनी चौक तक। ये सब हम गपशप मारते मारते झज्जर कोटली को क्रॉस करते हुए कटरा दुमेल में पहुंच चुके हैं, और उसके बाद आने वाला है अब पंजाबी वेली। चले अंदर कॉफी पी लेंगे। चलो हाँ चलते कॉफी पी लेंगे। तो उसके लिए कहाँ से एंट्री करनी होगी हमको। हवेली जाना है यार। मैंने पता क्या ये भरता अल्टीमेट बैंगन का भरता। वेरी गुड। चलो कौन मुड़ के आएगा। इतना मुड़ के उधर से फिर उधर पीछे मुड़ना है, फिर उधर आना है। इससे बेटर कि हम आगे क्यों ना निकल जाएं। टाइम हो चुका है 19:56। जम्मू कितने बार आए हो आज तक अपनी लाइफ में। याद भी नहीं होगा इतने बार आए हो। याद भी नहीं होगा। तो बताओ यहाँ से लेकर वहाँ तक कितने टनल छोटे छोटे। 5 पक्का। चलो देखते सबसे बड़ा टनल मुझे पता ये वाला। चलो ये आ गया पहला। ये आ गया दूसरा।
तो टनल नंबर 2 को हमने पीछे छोड़ दिया है, अब हम पहुंचने वाले टनल नंबर 3 के पास। यहाँ जाता मैं उठ गया यहाँ, ये आगे एक मिनट टनल नंबर 3 के अंदर घुस गए हम। एग्जिट एक है अभी, 3 एग्जिट हो गए। एग्जिट है ये 30 एक एग्जिट हो गया ना। हम पहुंचे ना 4 टनल नंबर है 4 में घुस गए हम और टोटल 4 टनल है, लेकिन अरुण भाई ने बताया था कि है 5। आपको पता था? मुझे पता था, रोज खेलते हो मैं। 4 है। तो इसके बाद हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं बन के पास। यही सॉन्ग है वो डराने वाला, यही था। सुनते हैं उसको। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं बन टोल प्लाजा के पास, अब यहाँ से निकलते हैं हम। अबे यार अमीर लोग हैं, हमारे पास पैसे होते हैं, मन मत किया कर ऐसे हमको। अरुण भाई कहाँ से जाना है? जाएंगे सीधा हाईवे पे निकलते हैं। हाईवे पे की पुरानी यादें ताज़ा करनी है। चलो ठीक है फिर हम निकलते हैं बाईपास। ठीक है भाई साहब, 8:15 हम लोग पहुंच चुके हैं नगरोटा में, नगरोटा बाईपास पहुंच चुके हैं। 35 की जो रिसेंटली यहां पे जो कार पार्किंग बनी है, लेकिन अभी चालू है क्या? ये चालू कब से? 31 दिसंबर, ये नवंबर। अच्छा नवंबर पिछले साल कर दिए। तो ये है पंचतीर्थी वाला चौक। ये कौन सा बाजार है? अपर बाजार, जैन बाजार का अपर बाजार। ये आगे चौक चबूतरा। कौन सा बोला? चौक आगे चौक चबूतरा। अभी हम अपर बाजार में से जाते हैं सीधा चौक चबूतरा के लिए। मैंने कहाँ से जाना है? हमने भी यहीं से जाना। अच्छा इधर है गाड़ी रोड, तो जहाँ से रोड दिखेगी राइट मार देना। चलो ठीक है, मैंने कहा यहाँ से राइट लेना है। यहाँ से राइट लेना है, आगे जहाँ पे रोड खत्म होगी वहाँ पे आगे दुकान दिखेगी, वहाँ से राइट ले देना। जहाँ पे रोड खत्म होगी वहाँ से राइट ले देना, दुकान मिलेगी। चलो ठीक है मिलते हैं। ओके बाय बाय। अच्छा बैग यहीं पर रह गया था। चलो अब पहुंच गया मैं पॉइंट पे। अब यहां से रास्ता मुझे मिल गया, ये रास्ता सीधा जाएगा परेड की तरफ। फिलहाल तो अभी छोटी मोटी गाड़ी वगैरह चल रही हैं, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो रही है, अदरवाइज दिन को यहां पे बहुत रश रहता है। तो अभी मैं वहां से बाहर निकल चुका हूं और पहुंचने वाला हूं शालामार रणवेश्वर मंदिर के पास। तो मेरे लेफ्ट साइड में है रणवेश्वर मंदिर, और यहाँ से हम लेंगे फिर से राइट टर्न, और राइट टर्न के बाद ले जाएंगे हम सीधा आगे, और इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे तालाब तिलो बोड़ी। तो आई होप गाइज रैंडम ब्लॉग आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा।